Good morning, student. Welcome back to our 17th session. How are you? I hope all are good and safe at home. Take out page number 24, lesson number 12. आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे छोटी ए और बड़ी ए की मिलावट. ठीक है, यहाँ पर देखिए. सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स. वक्त बहुत कीमती चीज़ है, जो इसको सही इस्तेमाल करता है वो कामयाब होता है, और जो इसको बर्बाद करता है वो खुद नाकाम हो जाता है. यानी वक्त बहुत अपने लिए बहुत कीमती चीज़ है, इसे सही मतलब सही टाइम पे इस्तेमाल करेंगे तो अपन कामयाब होंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो बर्बाद हो जाता है. ठीक है. सो तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इज्जत व मुकाम देती है. तालीम एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को रेस्पेक्ट का क्या देती, मुकाम देती. तो अपने को क्या करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए. पढ़ने लिखने में कभी सुस्ती और काहली से काम ना लो, यानी सुस्ती काहली से अपने को काम नहीं लेना है. कहाँ पर, पढ़ने लिखने में. इससे जी मत चुराओ. जो बच्चे लापरवाही और सुस्ती की वजह से तालीम हासिल करने से महरूम हो जाते हैं वो उम्र भर पछताते हैं. यानी जब हम पढ़ने मतलब क्या करते, पढ़ने के टाइम पे पढ़ते नहीं, ठीक है, तो हमको क्या होता, आगे फ्यूचर में चल के अपने को बहुत प्रॉब्लम होती कि अपन को एक फॉर्म, बैंक को जाएंगे तो फॉर्म फिल करना रहता. अगर बैंक पैसे निकालना है अपने को तो क्या करना पड़ता, फॉर्म फिल करना पड़ता ना. तो वैसे ही अपने को हर एक चीज़ में क्या है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इल्म अपने पास रहना, एजुकेशन है ना हमारे लिए, ये जनरेशन को मतलब ये ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है. तो हर चीज़ क्या है, हर चीज़ के अंदर फॉर्म फिल करना है. तो अपन अब फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो मतलब अपन अब नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे फील कर सकते हैं, बोलिए. तो अपने को क्या करना पड़ता, फिर यही प्याज वगैरह ये सब बेचना पड़ता अगर अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे तो. अगर कुछ अपन पढ़ेंगे तो आगे फ्यूचर में एक अच्छे इंसान बनेंगे. ठीक है. तो यहाँ महरूम उम्र क्या, अपन क्या होता, उम्र भर पछताते रहते, अच्छी हम क्यों नहीं पढ़ लिए ऐसा. अगर जब अपने पेरेंट्स पढ़ाते तो अपने को पढ़ लेना चाहिए, अगर हमने पढ़ लेते तो कितना अच्छा रहता था, ऐसा बोल के हम सोच लेते. मगर एक बार जो वक्त हाथ से निकल गया वो कभी वापस नहीं आता. यानी अपन छोटे रहे जब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बड़े हुए तक तो पढ़ते ही रहते ना. अगर हम छोटे रहने से नहीं पढ़ेंगे तो बड़े हुए तक भी नहीं पढ़ सकते अपन कुछ भी. तो हमको क्या करना चाहिए, जो वक्त पर भी अपन पढ़ सकते हैं तो वहाँ पर पढ़ लेना चाहिए. और जो वक्त पर पढ़ने, वो वक्त अपन को फिर कभी वापस नहीं आता. इसलिए बच्चों तुम इस मौके की को गनीमत जानो और खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करते करो, ताकि तुम्हें भी इज्जत व कामयाबी हासिल हो. तो हम आपको भी क्या कहना चाहिए, खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करना चाहिए ताकि हमको इज्जत व कामयाबी हासिल हो. जब हम कुछ पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं बन सकते अपन. ठीक है. तो अपने को क्या करना चाहिए, अच्छा एजुकेशन पढ़ना चाहिए और वक्त की कदर करना चाहिए. ठीक है. सो अब आके क्या करते हैं आप लोग बोलिए. फिर अगर अपनी एज अभी हम हैं छोटे हैं, फिर बड़े हो गए बाद फिर छोटे होते क्या, नहीं. तो अपने को क्या करना चाहिए, अपन को जो ये उम्र में मतलब ये एज में अपन कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ पढ़ाएं तो वो पढ़े, तालीम हासिल मतलब एजुकेशन हासिल करे. तो यहाँ पर अपने को क्या करना चाहिए, जो वक्त जाता वो वक्त रिटर्न वापस नहीं आता. तो ठीक है ना. सो अपनी एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेशन करिए बच्चों. सो आज का हमारा होमवर्क है, इन हरूफ को अलग अलग करके लिखिए. यानी यहाँ पर अल्फाज दिया गया, लफ्ज़ दिया गया है, इसको अलग अलग करके लिखना है. फर्स्ट वन, तालीम, सुस्ती, काहली, हासिल, इंसान, बर्बाद, फीस, महरम, निकल, मुकाम. ये आपका होमवर्क है. वन टाइम अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिखना है. ठीक है ना चिल्ड्रेन. सो कीप लर्निंग, स्टे एट होम. अल्लाह हाफिज़.